अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 20 जून 2024 को ईद उल अज़हा है और ये जाफ़राबाद बकरा मंडी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने जो रोड जा रहा है, जिसको पीली मट्टी भी कहते हैं, उसके सामने कुछ बकरे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, इसमें कुछ बकरे आए हुए हैं बिक्री के लिए, बकरीद के लिए। और जो खरीदने वाले चाहते हैं, जो बकरे अभी से रखना चाहते हैं अपने घर में बकरीद के लिए, तो आके ले सकते हैं। यहाँ पे कई तरह की नस्लें हैं, पंजाबी भी मिली हुई देखने को, सिरोही मिली, गुजरे भी मिली, और ये सब देख रहे हैं। आप देखिए छोटा सा ये भेड़ भी दिखा, ये बकरी है, बेला बकरी थी, ये भी कुर्बानी में काम आ सकती है। और इसके अलावा जो है ये जो एरिया है, ये पीली मट्टी कहलाया जाता है, आप सब जानते होंगे। और ये बकरा जाफ़राबाद बकरा मंडी का अपडेट दे रहा हूँ 2024 का। और इसके साथ साथ आप ये देखिए जाफ़राबाद मेट्रो स्टेशन है, और उस तरफ भी सामने कुछ बकरे लगे हुए थे। बहरहाल ज़्यादा बकरे जो हैं वो यहाँ पे ही लगे हुए हैं। बकरों के जो रेट हैं वो अभी बहुत हाई हैं, बहुत महंगे बकरों के रेट मांग रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था और ये कुछ ये बता रहे थे कि जो अगले लॉट जो आएगा बकरों का, वो भी जल्द आने वाला है, तो आप जाके खुद देख सकते हैं और आप खुद ले भी सकते हैं। अभी ये दो जोड़ी है, इनके बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसके साथ एक जोड़ी और थी, ये दो जोड़ी, इनकी बहुत डिमांड थी। वो सबसे जो ब्लैक वाला है आगे, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और चंचल बकरा लग रहा था। इसकी आईज़ जो थी वो वाइट कलर की थी, देख सकते हैं आप। बकरे खूबसूरत बकरे हैं वैसे, ऊंचे थे काफ़ी। ये देसी दोगले में था ये वाला बकरा, इसके कान कितने से थे और इसकी हाइट अच्छी थी माशाल्लाह से। बकरे तो अच्छे हैं, पर अभी बहुत कम आए हैं, धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे बकरे। जैसे जैसे और बकरे आते जाएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए।